जलशक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल को जलशक्ति मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। चिराग पासवान को खेल मंत्री बनाया गया है। बड़ी खबर, चिराग पासवान को खेल मंत्री बनाया गया है। लगातार तीन बार के सांसद, दो बार जमुई से जीते आरएलजेपी के मुखिया और एक बार हाजीपुर से 2024 को जीत कर आ रहे हैं। रामविलास पासवान की सीट से उनके बेटे हैं और उनको खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स दिया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी दी गई है। खेल मंत्री चिराग पासवान बनाए गए हैं। उनके कुल पांच सांसदों ने, पांच लोगों ने चुनाव लड़ा था, पांचों जीते, यानी कि एक तरह से 100% का स्ट्राइक रेट रहा था। और यही कारण है कि चिराग पासवान जो युवा चेहरा हैं, उनको 41 साल जिनकी उम्र है, चिराग पासवान को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि ओडिशा के संबलपुर से जीत कर आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के पास एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा, 2019 से लगातार वो संभाल रहे हैं। और सीआर पाटिल जो कि गुजरात से आते हैं, उनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, सीआर पाटिल को जो है जल शक्ति मंत्रालय देने की बात आई है। और साथ में मैं आपको बता दूं, सर्वानंद सोनोवाल उनको पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज का मंत्रालय जो दिया गया है। सर्वानंद सोनोवाल जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनके साथ एमओएस जो हैं शांतनु ठाकुर रहेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री का जो है वो उनको दिया गया है सर्वानंद सोनोवाल को। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कुमारस्वामी को जो है वो इंडस्ट्री एंड स्टील डिपार्टमेंट दिया गया है। ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेडीएस से हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनका अलायंस हुआ, उनकी पार्टी ने दो सीटें जीती हैं। और कुमारस्वामी को जो है इंडस्ट्री एंड स्टील का मंत्रालय दिया गया है। कई ऐसी खबरें जो हैं वो सुनने में आ रही है। सिविल एविएशन जो है वो राम मोहन नायडू को वो दिया गया है। राम मोहन नायडू जो है वो टीडीपी से आते हैं और टीडीपी की डिमांड भी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय जो है वो टीडीपी को दिया जाए। राममोहन नायडू सबसे यंगेस्ट जो है वो मंत्री है इस सरकार में और उनको जो है सिविल एविएशन मंत्रालय जो है वो दिया गया है। चित्रा, ये बड़ी खबर, राममोहन नायडू सिविल एविएशन मंत्रालय उनको दिया गया है। राममोहन नायडू, आपको बताते चले, 36 साल उनकी उम्र है, तीसरी बार उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है सांसद के तौर पर। कल पद गोपनीयता की शपथ ली थी, 3,27,000 मतों से जीत कर वो पहुंचे हैं, जो दो मंत्री बनाए जा रहे हैं टीडीपी से, उनमें राममोहन नायडू का यहां पर नाम महत्वपूर्ण है। और जैसा कि जानकारी दे रहे हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त हिमांशु हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हुए। कुमारस्वामी जो कि कर्नाटका से आते हैं, यकीनन उनकी भी भूमिका एनडीए में महत्वपूर्ण है, उसको इंडस्ट्री एंड स्टील मिनिस्ट्री दी गई है। सर्वानंद सोनोवाल को, जैसा कि बता रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनको दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सिविल एविएशन राममोहन नायडू को दिया गया है। राममोहन नायडू के ऊपर सभी की निगाहें, क्योंकि आपको बताते चले टीडीपी अपने 16 सांसदों के साथ एनडीए में है और क्या मंत्रालय दिया जाता उन्हें, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। तो फिलहाल बड़ी खबर ये आ गई है, रवनीत सिंह बिट्टू एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स उनको बनाया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू की जानकारी निकलकर सामने आई है। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से चुनाव हार गए। इसके पहले तीन बार कांग्रेस पार्टी से वो सांसद रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लुधियाना से चुनाव लड़े, हार गए थे। बेयस सिंह के पौत्र हैं। एमओएस मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स, एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है रवनीत सिंह बिट्टू को। हिमांशु, जल शक्ति आया साहब को, बस अभी तक जो हमको जानकारी दी गई है। हिमांशु अभी आता है, मैं देता हूं आपको। हेलो हिमांशु, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हिमांशु के पास चलेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यहां पर जैसा कि हिमांशु हमारे संवाददाता बता रहे हैं, राममोहन नायडू टीडीपी के सांसद मंत्री बनाए गए, उनको यहां पर अहम जिम्मेदारी दी गई है सिविल एविएशन की। रवनीत सिंह बिट्टू को एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स दिया गया है। यहां पर देखिए, अजय शंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे और लगातार नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बने रहेंगे। तो जितने भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, क्या मेरी आवाज मिल रही है? हिमांशु, रमेश सिंह बिट्टू, बिल्कुल बिल्कुल, चित्रा आपकी आवाज मुझे मिल रही है। गज
बिल्कुल देखिए माइनॉरिटी अफेयर है और वो माइनॉरिटी के चेहरे भी हैं, सिख कम्युनिटी से आते हैं, चुनाव लुधियाना से हार गए लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, वो कांग्रेस छोड़कर आए थे चुनाव से पहले और पार्टी ने उन्हें जो है वो MOS बनाया है और माइनॉरिटी अफेयर्स की जिम्मेदारी दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है वो संस्कृति एंड पर्यटन विभाग दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके पास पिछली सरकार में जो है वो जल शक्ति मंत्रालय था, तो इस बार उन्हें जो है संस्कृति और टूरिज्म मंत्रालय दिया गया है। उनके साथ जो MOS लगाए गए हैं उसमें सुरेश गोपी, राव इंद्रजीत सिंह दोनों को जो है संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में MOS बनाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह जो है वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी हैं। अब देखते हैं कि उनको स्वतंत्र प्रभार का कौन सा मंत्रालय दिया गया है। और किरण रिजिजू को जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री दी गई है। चित्रा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री एक बड़ा मंत्रालय है, सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है क्योंकि संसद के अंदर सभी विपक्षी दलों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो संसदीय कार्य मंत्री को करना होता है और ये काम अब से पहले जो है प्रहलाद जोशी कर रहे थे 2019 से लेकर 24 तक, तो 5 साल प्रहलाद जोशी ने ये काम देखा है और अब जो है किरण रिजिजू पे जो है वो पार्टी सरकार ने जो है वो भरोसा जताया है। चित्रा ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर बनाए गए हैं सुरेश गोपी, जिनको लेकर आज दिन भर तमाम तरह की खबरें चलती रही। आपको बताते चले केरल से एकमात्र जीते हुए ये सांसद जिनको मंत्री पद की कल जिम्मेदारी दी गई और आज अलग अलग तरह की खबरें छपती रही कि वो फिल्में करना चाहते हैं ये वो, हालांकि बाद में उन्होंने खंडन कर दिया है। और बड़ी जानकारी सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत सिंह, आपको बताते चले सुरेश गोपी जो 65 साल के हैं 74,000 मतों से जीत कर वो पहुंचे हुए हैं, उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है MOS कल्चरल एंड टूरिज्म की। और राव इंद्रजीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 74 साल उनकी उम्र है, 75,000 मतों से जीत कर संसद भवन में पहुंचे हैं। और यहां पर कुमारा स्वामी हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील, जैसा कि हिमांशु पहले ही जानकारी दे चुके हैं और यकीनन कुमारा स्वामी पर सभी की निगाह टिकी हुई थी कि आखिर क्या जिम्मेदारी उनको दी जाती है। HD कुमारा स्वामी JDS के हैं, 65 साल उनकी उम्र है, 284,000 मतों से जीत कर संसद भवन पहुंचे हैं। और कल शपथ लेने के बाद मैंने उनसे बातचीत की भी कोशिश की थी, हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन फिलहाल जानकारी सामने आ गई हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मिनिस्ट्री उनको दी गई है। तो सबसे ज्यादा निगाह हिमांशु इसी बात पर बनी हुई थी कि जो सहयोगी दल हैं उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है और एक एक करके अब सबको सबका विभाग यहां पर सौंपा जा रहा है। हिमांशु चले हिमांशु के पास हम पहुंचे जाएंगे, आपको बताते चले प्रहलाद जोशी फूड कंज्यूमर अफेयर एंड यहां पर एक एक करके तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी खबर आपको दे दें, लगातार मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा है और अब तक जो बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आए हैं उनके बारे में जल्दी से देते हैं आपको जानकारी। अश्विनी वैष्णव बने हैं रेल और सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले भी उनके पास थी लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय का ये अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास, यानी कि दो दो मंत्रालय उनको दे दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह के विश्वास पात्र होने का फायदा उनको मिला है। अश्विनी वैष्णव धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय ही बना रहेगा। इन सब के बीच आपको बताते चले शिवराज सिंह चौहान, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी MOS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई जो कैबिनेट है तीसरा टर्म, उसमें आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, कैसे दिखते हैं? ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है, पहले तो मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता का जिन्होंने मुझे सांसद बना के अपने क्षेत्र के लिए काम करने का अवसर दिया था, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सरकार में काम करने के लिए भी अपना आशीर्वाद दिया है और अभी मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी, और चूंकि मुझे लगभग सभी कामों का करने का अनुभव रहा है और मेरी जानकारी में जैसा आया है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, तो हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देश में जो ऐतिहासिक परिवर्तन अगर कहीं हुए हैं तो उत्तराखंड के अंदर ही हुए हैं, और ऑल वेदर रोड अगर कहीं आती है तो उत्तराखंड के अंदर आई है, भारत माला भी आई है तो वो उत्तराखंड के अंदर आई है और पूरे देश भर के अंदर चल रही है, तो ये अपने आप में बड़ा सौभाग्यवान है क्योंकि रोड और जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो मनुष्य की आम जनजीवन की सुविधाओं के रूप में है वो यात्रा ही है और उसके कारण से अच्छी रोडें बनी, बड़े रोडें बने और जिसमें दुर्घटनाएं ना हो, तो अपने आप में एक अहम काम है और बहुत जिम्मेदारी का काम। अगले 100 दिन का विजन क्या रहेगा, किस तरीके से? मैं आपके साथ बैठने वाला हूं क्योंकि अभी से, क्योंकि मेरा ऑलरेडी उस पर काफी विजन है और जब 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार उत्तराखंड को सौगात दी थी तो तब मैं मंत्री था
तब मुझे आदरणीय नितिन गडकरी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बोला था कि भाई पहली रोड आपको ऑल वेदर रोड मिली है, तो मैंने कहा कहाँ के लिए मिली, तो उन्होंने कहा चार धाम के लिए मिली है, तो मैंने कहा एक धाम और है, तो उन्होंने बोला कौन सा धाम है, तुम्हारे उत्तराखंड में तो सभी धाम है, तो पता चला कि मेरे का केदारनाथ कैलाश मानसरोवर धाम है। तो आज हम सबका सौभाग्य है, तो वही रोड आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आदि कैलाश जोलिंगकोंग जब प्रधानमंत्री जी आए और अंतिम गांव तक सड़क हमारा पहुंचना, लिपुलेक दर्रे तक सड़क का पहुंचना, यह अपने आप में बहुत अद्भुत है। हम कभी सोचते भी नहीं थे कि कभी वहां तक सड़क जाएगी, तो ये बहुत ऐतिहासिक है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अजय टमटा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगले 100 दिन का जो विजन रहेगा, बड़े बड़े हाईवे और कई ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो देश भर के अंदर होगी। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। सड़क परिवहन राज्य मंत्री का दर्जा उनको दिया गया है। 2016 में भी आपको बताते चले कि इनको मंत्री बनाया गया था और उस समय इनको कपड़ा राज्य मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है, जिसमें से अजय टमटा को नियुक्त किया गया और फिर उनको अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। जो बड़ी जानकारी, पीयूष गोयल को कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई है। पीयूष गोयल कद्दावर नेता मुंबई से जीतकर आए हैं और आपको बताते चले 3,57,000 वोटों से 59 साल के पीयूष गोयल जीते हैं। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, इसके पहले वो लगातार राज्यसभा से चुने जाते रहे थे। कॉमर्स मिनिस्ट्री पहले भी उनके पास था, उसी को कंटिन्यू रखा है नरेंद्र मोदी ने। दूसरी तरफ टीडीपी से राममोहन नायडू, सिविल एविएशन की जिम्मेदारी उनको दी गई है। मुरलीधर मोहल जो कि टीडीपी से है, एमओएस एविएशन की जिम्मेदारी उनको दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जानकारी निकलकर सामने आ रही है शिवराज सिंह चौहान, जिनको दो दो बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। शिवराज को पंचायती राज, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री बनाया गया है। वो अपने अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश भवन में बड़ी बैठक कुछ देर में करने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय दिया गया है। लगातार 3 बार के सांसद गिरिराज सिंह, मोदी सरकार 2014 में जब बनी उसके बाद भी मंत्री बने, 2019 में भी बने और अब 2024 में भी गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी गई है। वो बेगूसराय से चुनकर आए हैं। हरदीप सिंह पुरी, आपको बताते चले उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पहले भी उनके पास थी, उसी को कंटिन्यू रखा गया है। हरदीप सिंह पुरी को 72 साल इनकी उम्र है। तेल कूटनीति का ये बड़ा चेहरा माने जाते हैं। आवास शहरी मामलों के साथ साथ पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पहले भी इनके पास था। 2020 से यूपी से लगातार ये राज्यसभा के सांसद हैं, इनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो एक एक करके लगातार नाम सामने आ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब एक एक करके जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है और 2014 में भी, यानी कि बीजेपी अध्यक्ष बनने के पहले भी, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर ही अपनी पहचान बनाए रखे थे और उसी को कंटिन्यू किया गया है 2024 में भी। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, जेपी नड्डा जो है 2014 नवंबर में जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बने और उसके बाद 19 तक उन्होंने कंटिन्यू किया और 19 में जब मोदी सरकार दो बनी तो उसमें जो है वो मंत्री नहीं बने बल्कि जो है पार्टी के अध्यक्ष बने। और अब भूपेंद्र यादव के लिए जानकारी आ रही है कि उनको जो है वो पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया को जो है वो लेबर मिनिस्ट्री दी गई है। हरदीप सिंह पुरी के बारे में आपने भी बताया, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उनको दी गई है। साथ ही साथ गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल दिया गया है और प्रहलाद जोशी को फूड एंड कंज्यूमर और रेन्यूबल एनर्जी दिया गया है। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर जो है पहले पीयूष गोयल के पास था और रेनुअल एनर्जी जो है वो मैं लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर अपने दर्शकों को जल्दी से हिमांशु देते हुए फौरन लौट रही हूँ आपके पास। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों को अब बुला लिया है एमपी भवन में। कुछ ही देर में वो बैठक करने वाले हैं, यानी कि ताबड़तोड़ एक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर शिवराज ने एमपी भवन में सभी को बुला लिया है और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले। राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अमित शाह, लगातार गृहमंत्री वो बने रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी उनके पास रहेगा। इसके अलावा नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे।